अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 की टाइप 3 जिसमें रेसिप्रोकल इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम रेसिप्रोकल इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। तो इसको कुछ इस तरह डिफाइन किया जा सकता है, एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेंस अनचेंज व्हेन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। एग्जाम्पल के तौर पर एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 0, ये एक ऐसी इक्वेशन है विच रिमेंस अनचेंज व्हेन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय 1/x, यानी कि जब हम रिप्लेस करें एक्स को बाय 1/x देन इस इक्वेशन पर फर्क नहीं पड़ता। देखें यहां पर एक्स की जगह अगर हम 1/x लिख लें प्लस इधर भी एक्स की जगह 1/x लिख लें इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 1/x प्लस डिनोमिनेटर में 1/x है तो इसको उल्टा देंगे हम एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये एक्स प्लस 1/x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो देखें ये इक्वेशन थी हमारे पास, हमने एक्स की जगह 1/x रखा तो इस इक्वेशन पर फर्क नहीं पड़ा, तो ये एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसमें भी अगर हम रिप्लेस करते हैं एक्स बाय 1/x देन हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की जगह 1/x आ जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। अगेन अगर हम यहां पर मल्टीप्लाई करें बाय एक्स से तो ये हमारे पास 1 बन जाएगा प्लस ये एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 0, तो इसको हम एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहां पर मैंने दो एग्जांपल लिखी हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन की। बुक में एग्जाम्पल 3 पेज नंबर 9 पर रेसिप्रोकल इक्वेशन की एग्जाम्पल मौजूद है, वो एग्जाम्पल आपने खुद सॉल्व करनी है असाइनमेंट के तौर पर। मैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सॉल्व करूंगा जो कि रेसिप्रोकल इक्वेशन है। तो आइए देखते हैं ये टाइप किस तरह की होती है। टाइप 3 है ये हमारे पास, तो ये टाइप जो बुक में क्वेश्चन आएंगे वो इस तरह के आएंगे, ए एक्स टू रेज पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, यानी कि जो बुक में क्वेश्चन है एग्जांपल और क्वेश्चन नंबर 10 और 11 उसमें 5 टर्म्स इन्वॉल्व हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें एक्स स्क्वायर के साथ और फिर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये टर्म इस तरह की बन जाएंगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी ओवर एक्स प्लस ए ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा करके ए कॉमन लें तो आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा करके बी कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 1/x और लास्ट में सी लिख लें इज इक्वल टू 0। तो या इस तरह के क्वेश्चन आएंगे या इस तरह के क्वेश्चन होंगे, ये और ये सेम ही हैं। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर से तो ये इक्वेशन इस टाइप की बन जाती है। तो आइए इसको फिर हम सॉल्व करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास गिवन रेसिप्रोकल इक्वेशन है एक्स टू रेज पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए डिवाइड करते हैं बाय एक्स स्क्वायर से, तो फर्स्ट टर्म एक्स टू रेज पावर 4 भी डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर से, इसी तरह सेकेंड टर्म भी डिवाइड होगी और सारी टर्म्स को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि राइट साइड में हमारे पास 0 है तो 0 को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ तो 0 ही आएगा। इन दोनों टर्म्स को जब डिवाइड करेंगे तो ये पावर 2 4 से सब्ट्रैक्ट होकर एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर जब ये 2 सब्ट्रैक्ट होगा 3 में से तो एक्स टू रेज पावर 1 माइनस यहाँ पर 2 बचेगा एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस 2 ओवर एक्स की पावर 1 थी नीचे आके सब्ट्रैक्ट होगी तो एक्स की पावर 1 रह जाएगी नीचे प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व है, इनको इकट्ठा लिख लेते हैं। इन दोनों टर्म में एक्स की पावर 1 इन्वॉल्व है तो माइनस 2 अगर कॉमन लें तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स, क्योंकि ये टर्म प्लस की 2/x है तो माइनस 2 कॉमन लिया तो ये साइन चेंज हो के माइनस 1/x और लास्ट में माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। ये जो टाइप हमारे पास होती है
गिवन टाइप थ्री, उस तरह की फॉर्म बन गई है। इसमें हम सबसे पहले सपोज करेंगे x माइनस वन ओवर x इज इक्वल टू y। अब इसका स्केयर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वन ओवर x का स्केयर इज इक्वल टू y का स्केयर। अब इसमें गलती ये नहीं करनी कि x का स्केयर माइनस वन ओवर x का स्केयर कर दिया जाए, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है विच इज फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस टू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर होता है इज इक्वल टू y स्केयर। तो x x से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा x स्केयर प्लस वन ओवर x स्केयर इज इक्वल टू y स्केयर। ये क्योंकि माइनस टू बनता है इक्वल के उस साइड पर प्लस टू, तो जहां पर x स्केयर प्लस वन ओवर x स्केयर आ रहा है वहां पर हम y स्केयर प्लस टू पुट करेंगे, और जहां पर x माइनस वन ओवर x आ रहा है वहां पर हम y पुट करेंगे। तो इस तरह कोई अनवन हमारे पास बन जाएगी, एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर की जगह हमने पुट कर लिया वाई स्केयर प्लस टू माइनस टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स की जगह हम पुट कर लेंगे y, आगे हमारे पास माइनस टू है इक्वल्स टू जीरो, तो माइनस टू प्लस टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों टर्म में से y कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में रह जाएगा y माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। तो y को जीरो के इक्वल पुट करेंगे और y माइनस टू को जीरो को इक्वल पुट करेंगे। अब y की वैल्यू क्योंकि हमारे पास थी x माइनस वन ओवर x, तो यहाँ पर आएगा x माइनस वन ओवर x इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करने के लिए पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होके एक्स के सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो x x से कैंसिल आउट हो गया वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्केयर की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन उधर जाके प्लस का वन। अब हम इसका स्केयर रूट लेंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के साथ आ जाएगा प्लस माइनस, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस वन। इसी तरह यहाँ पर वाई इज इक्वल टू टू, वाई की जगह हम वाई की वैल्यू पुट करते हैं जो कि एक्स माइनस वन ओवर एक्स है इज इक्वल टू टू। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं जिस तरह यहाँ पर डिनोमिनेटर से एक्स रिमूव करने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई किया था, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्केयर, सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स से कैंसिल आउट होके वन, और इक्वल के उस साइड वाली टर्म पर मल्टीप्लाई होगा एक्स तो टू एक्स हो जाएगा, एक्स के टू एक्स इधर आके माइनस टू एक्स, माइनस वन ऑलरेडी इधर ही है इज इक्वल टू जीरो। इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला में एक्स केयर के साथ कुछ भी ना हो तो वन होता है, ए वन है बी माइनस टू है और सी माइनस वन है, तो माइनस बी की जगह माइनस टू प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस टू का स्केयर माइनस फोर, ए की जगह आएगा वन और सी की जगह आएगा माइनस वन ओवर में टू, ए की जगह वन, टू ए आता है तो टू ए टू की जगह टू आ गया और ए की जगह वन आ गया, एक्स आ जाएगा माइनस माइनस प्लस टू प्लस माइनस, माइनस टू का स्केयर फोर प्लस, माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस हो गए, फोर वन टाइम फोर ही होता है ओवर में टू। तो अगर यहाँ पर हम 2 प्लस माइनस ये वाली टर्म बनती है हमारे पास 4 प्लस 4 8, तो 8 को अगर हम लिखें इस तरह 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और रूट लिया जाए तो 8 आ जाता है हमारे पास 2 उसके रूट 2, क्योंकि ये पेयर है ये 2 बाहर आ जाता है, तो 2 इंटू 2 ओवर में भी 2, तो 2 कॉमन लिया जाए 1 प्लस माइनस के रूट 2 ओवर में 2, तो हमारे पास x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस के रूट 2। हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे प्लस माइनस 1 और 1 प्लस माइनस के रूट 2, तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, उसमें भी रेसिप्रोकल इक्वेशन ही इन्वॉल्व है।